हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे आपको कि एक लैन केबल से दो लैपटॉप कैसे कनेक्ट करें। अगर आपके पुराने लैपटॉप में डेटा है और आपने नया लैपटॉप लिया है तो आप एक लैन की मदद से सारा डेटा अपने इस लैपटॉप में कैसे ला सकते हैं। पहले तो सबसे पहला स्टेप, अपने लैन को कनेक्ट कर लीजिए अपने दोनों लैपटॉप से, लैपटॉप वन लैपटॉप टू। लैपटॉप वन जिससे हम फाइल भेजेंगे उसकी हमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग में जाना है। शिवम भाई अभी जाके दिखाएंगे, कंट्रोल पैनल में हम गए, ये सेटिंग है हमारी कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। उसके बाद हम जाएंगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में। चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में जाके शिवम भाई आगे बताएंगे कि क्या करना है हमें। ये सारी चीज़ें टर्न ऑन शेयरिंग की टर्न ऑन कर देनी है, उसके बाद सेव कर देना है। हमारा सेव का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले से सेटिंग लगा रखी है। और मेक श्योर कि यहाँ पे हम अपना आप पासवर्ड टर्न ऑफ ही रखें, नहीं तो ये पासवर्ड मांगता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब हम बढ़ते हैं। थोड़ा पुराना है तो लैपटॉप स्लो है तो उसे माइंड मत करिएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें यहाँ पे जाना है ईथरनेट पे। ईथरनेट के अंदर हमें प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। ये प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे वैसे ये ऑप्शन खुलेगा और इसमें आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्लिक करना है। उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपको सेम ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क और ये डिफॉल्ट गेटवे, जो भी इसकी हमने इंफॉर्मेशन डाल रखी है ये सेम डालनी है। ये सेम डालने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऑल सेट है, आपका लैपटॉप वन ऑल सेट है। अब हम आएंगे यहाँ से उठ के लैपटॉप टू पे। लैपटॉप टू पे भी हम सेम सेटिंग में जाएंगे जैसा कि हम लैपटॉप वन में गए थे। लैपटॉप टू में सेम सेटिंग के बाद जाने के बाद, जैसे कि ये 2022 का लैपटॉप है तो इसका इंटरफेस और इसके इंटरफेस में बहुत डिफरेंस है, तो इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको ये मिलेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर ईथरनेट सेटिंग मिलेगी। ईथरनेट सेटिंग के अंदर आपको ये नेटवर्क टू मिलेगा जो कि आपने लैन कनेक्ट कर रखी है। इस नेटवर्क टू में जाके आपको ये ऑप्शन आएगा, पहले तो ये ऑटोमेटिकली हो रखा होगा, ऑटोमेटिकली की जगह हटा के आपको इसे एडिट करना है। एडिट में जाके यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है, मैंने कर रखा है तो मैं करूँगा नहीं। मैनुअल सेलेक्ट करके आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट करके आपको सेम डिटेल डालनी है। ये डिटेल आप मेरी स्क्रीन से ले सकते हैं। ये सेम डिटेल डालने के बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ऑल सेट टू गो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइलें आपको भेजनी है, वैसे तो आप पूरा कंप्यूटर की सारी फाइलें शेयर कर सकते हैं लेकिन मैं एक फाइल शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि जो फाइल अगर आपको भेजनी है तो। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है फोर्ज़ा होराइज़न। फोर्ज़ा होराइज़न में हम गए, गिव एक्सेस करेंगे और इसे एक्सेस देंगे ताकि दूसरा लैपटॉप हमें हमारा इसे स्कैन कर सके। दूसरे लैपटॉप में जाके यहाँ पे एवरीवन कर देंगे, एवरीवन करके ऐड कर देंगे। तो एवरीवन को हम ऑप्शन दे देंगे रीड एंड राइट का। रीड एंड राइट देने के बाद हम शेयर बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये शेयरिंग आइटम्स कर देगा और ये हमारा जो फोर्ज़ा होराइज़न का फोल्डर है ये अब हमारे इसके अंदर आ जाएगा। करना क्या है, हम सीधा विंडो प्लस आर दबा के रन खोलेंगे। विंडो प्लस आर दबा के रन खोल के आपको ये आईडी डालनी है। ये आईडी सेम वही आईडी है जो हमने अपने लैपटॉप वन में सेट करी थी। तो हमने फोर्ज़ा होराइज़न नाम थोड़ा बड़ा था तो उसका नाम चेंज करके हमने माफिया कर दिया है। माफिया करने के बाद हमने यहाँ पे सेम नेम लिखा, आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस लेस सेम नाम माफिया लिख के हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, फिर आप देख सकते हैं सारी फाइलें हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं माफिया के अंडर। तो ये हम सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे और हम अपने जहाँ पे भी हमें पेश करना है वहाँ कर देंगे और आप देख सकते हैं कॉपी स्टार्ट हो चुका है। स्पीड लैन में दोस्तों ज़्यादा हाई नहीं आती, 9, 10, 11 Mbps इतनी ही आएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस कि हम पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप में एक लैन केबल के थ्रू कैसे डाटा शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।